जी नमस्कार, राम राम, भारत माता की जय। इंटरव्यू आ गया ये। अच्छा अच्छा, इंटरव्यू आ गया। बिल्कुल आ गया, आपका स्वागत है। अगर आप मेरे लिए कुछ कहना चाहें तो, अगर आशीर्वाद मतलब। हमेशा मुस्कुराता हुआ ही रहना। वही तो काम है, अपने नाम पे ही गया हूँ मैं, रौनक। वैसे आपको हमारा शो देखने को कौन रिकमेंड करता है, मतलब अगर आप देखते थे? मेरी छोटी बहन श्रीमान अंशुल वर्मा जी। छोटी बहन और श्रीमान, मैंने शायद गलत सुन लिया, एक बार फिर से अगर आप। मेरी छोटी बहन श्रीमान अंशुल वर्मा जी। सीरियसली मोदी जी, श्रीमान और बहन मतलब? अब आप चलिए, जाने दीजिए। मैं कह रहा था कि वहाँ जितने लोग खड़े हैं, क्या वो लोग भी शो देखते हैं क्या? कितने लोग हैं वैसे? आज ये विशाल मैदान भी छोटा पड़ गया। अरे अब मैं चैन से मर सकता हूँ, मुझे कोई शिकायत नहीं जिंदगी से। मेरी शिकायत है। शिकायत मुझसे करो? करिए, मेरे करिए, फिर करिए। लेकिन आप बुरा मान जाएंगे तो? बुरा नहीं मानेंगे, बुरा मानेंगे तो दो रोटी ज्यादा खाएंगे, आप बताइए। नाराज हो जाएंगे तो? नाराज हो जाऊंगा तो चार रोटी खा लूंगा, आप बताइए तो। अरे चुनाव के दिनों में नाराज करना अच्छा होता है। बता भी दीजिए यार, मतलब प्लीज। बुरा नहीं मानोगे ना? अरे नहीं मानूंगा बाबा, नहीं मानूंगा। करो शिकायत, करो करो, कर भी दो। पक्का? पक गया है, बस गिरने वाला है, कर दो। नहीं अभी भी लगता है थोड़ा है। थोड़ा बिल्कुल नहीं, आप करो ना प्लीज। उधर वालों को तो बुरा नहीं लगेगा ना? किधर वालों को? इधर जब मैं उसको रखा, इधर तेरे को बुरा लगेगा? इधर नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। जोर से बोल, नहीं लगेगा। इधर वालों को बुरा नहीं लगेगा, बोलिए आप, नहीं लगेगा। इधर वालों को? इधर आओ, तेरे को बुरा लगेगा? नहीं लगेगा। इसको भी नहीं लगेगा, दोनों जुड़वा थे, समझे आप? जा अब बताइए। बिल्कुल नहीं लगेगा। नहीं लगेगा ना यार, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। शिकायत बताओ। मेरी शिकायत? हाँ। क्या 24 घंटे राजनीति करते रहोगे क्या? अरे बाप रे, अल्लाह, आप मजे ले रहे हो, मेरे को जिस चीज के लिए पैसे मिल रहे मजे आप ले। खैर एक बात बताइए मोदी जी, इस वक्त माहौल क्या है मतलब यूपी में? भारतीय जनता पार्टी का घोड़ा तेज गति से आगे बढ़ रहा है। घोड़ा, और उस घोड़े पे बैठा कौन है? मेरी छोटी बहन श्रीमान अंशुल वर्मा जी। मतलब बहन श्रीमान कैसे हो सकती है श्रीमान जी? आपको गर्व होता है कि नहीं होता है? कैसे गर्व होगा, एक बात बताइए, बहन को कोई श्रीमान बोलता है? 700 करोड़ देशवासियों का प्यार बोलता है, प्यार बोलता है। अखिलेश जी तो कहते हैं काम बोलता है, आप कह रहे हैं प्यार बोलता है? प्यार बोलता है, प्यार बोलता है। अच्छा और राहुल बाबा क्या बोलते हैं? गंगा यमुना की धरती। बस इसी गंगा यमुना में डुबा डुबा के राहुल जी मेरे को धोएंगे। वैसे आप बताइए, आप यूपी ने गोद लिया ये बोल रहे हो, तमिलनाडु भी देश का हिस्सा है, आपने वहाँ का देखा विधानसभा में लोगों ने कुर्सियाँ तोड़ दी हैं? कुर्सियाँ आती रहेगी। ऐसा कैसे कुर्सियाँ आती रहेंगी, मतलब सस्ती आती है कुर्सियाँ, मतलब मेरे को सब। हे बहु इधर, इंटरव्यू चल रहा है, तू झोला ले, सॉरी मोदी जी झोला लेके बीच में आ गया, मेरे को नहीं पता है कहाँ कहाँ से क्यों, सॉरी। उसके झोले में कुछ डाल दो। क्या? उसके झोले में कुछ डाल दो। बोले तेरे झोले में कुछ क्या? जूता ही डाल देते हैं। 2500 का एक है, वापस कर, जल्दी पकड़ना। डाल दिया। वैसे एक चीज और पूछना था मेरे को आपसे मोदी जी, मेरे साथ जब आप टीवी पे आते हैं इंटरव्यू में तो मजा आता है ना आपको? इंटरव्यू आने के बाद आपकी नींद उड़ जाती है। इतना खतरनाक लगता है क्या, मतलब मेरे साथ बात करना? इंटरव्यू आने से खुशी नहीं होती है, नींद उड़ जाती है। एक सेकंड सर, ये अच्छा नहीं है, मतलब जो भी आप कह रहे हैं ना बिल्कुल अच्छा नहीं है, समझ नहीं आ रहा खुशी मतलब। बताइए भाई, इतने से 30 सेकंड में इंटरव्यू में पता चलता है कि अच्छा है कि बुरा है? सर बिल्कुल पता चलता है यार, एक आखिरी सवाल मैं आपसे पॉलिटिक्स पे पूछ रहा हूँ, उसके बाद बात ही नहीं करनी है। क्या 24 घंटे राजनीति करते रहोगे क्या? सॉरी सॉरी। तो इंटरव्यू किस चीज के लिए है? सॉरी बोल रहा हूँ मैंने आपसे, सॉरी, इट्स ओके। कोई इंटरव्यू नहीं होगा, नो इंटरव्यू। सर प्लीज सर, एक सेकंड सर, लास्ट। कोई इंटरव्यू नहीं होगा, नो इंटरव्यू। मतलब एक सेकंड सर, अगर आप इंटरव्यू नहीं देंगे तो आपकी जगह कौन इंटरव्यू देगा, मतलब प्लीज एक। मेरी छोटी बहन श्रीमान अंशुल वर्मा जी। सर बहन और श्रीमान कैसे एक साथ हो सकते हैं? थैंक यू वेरी मच हमसे बात करने के लिए। वैसे हमारा इंटरव्यू लगा कैसा मोदी जी, आप बताइए? ये होता है इंटरव्यू, ये होता है इंटरव्यू। गालियां, तालियां। एक सेकेंड,
ऐसे बहुत सारी चीजें मैं आपको दिखाने वाला हूँ। इसके अलावा भी हमने बहुत सारी मस्ती करी थी, जैसे कि कुछ म्यूजिकल हमने किया था, गाना बजाना भी किया था, बनारस में बड़े बड़े नेताओं ने रैलियां भी की थी। उसमें हमने क्या बनाया था म्यूजिकल, ये देखिए पहले। मचाती सबने धूम, वोटर का माथा लेते चूम चूम, जरा घूम घूम, जरा घूम घूम।